हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सबसे आसान चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 10 से 12 कलियां लहसुन लिया है, अदरक 2 इंच का टुकड़ा है और 2 मिर्च है, हरी मिर्च है, और इसको मिक्सी के जार में हम डाल दिए हैं। 2 टमाटर को कट कर लेते हैं, इसको भी हम डाल देंगे। तो मोटा मोटा इस तरीके से इसमें हम काट करके डाल दे रहे हैं, और इसको पीसने के लिए थोड़ा सा पानी का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि इसका पेस्ट बनाना है। तो अच्छी तरह से पेस्ट बनाने के लिए पानी का ज़रूरत है, तो हल्का सा डाल देते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। इधर हमने चिकन को भी धो लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। ये 700 ग्राम चिकन है और इसी में हम पेस्ट को डाल देते हैं जो हमने टमाटर और अदरक सभी को पीसा हुआ था। 1 टीस्पून जीरा काली मिर्च का पाउडर ऐड करते हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालते हैं और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसमें हम बिरयानी मसाला पाउडर 2 टीस्पून डाल रहे हैं। MDH का है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 ये छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी, और ये 1/2 स्टार एनिस है, बादियान फूल है, इसी में डाल देते हैं। और इसमें शाहजीरा 1/2 टीस्पून डाल देते हैं, और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें हम नमक डाल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा हम वाइट विनेगर ऐड करते हैं 1/2 टीस्पून, और ये दही हम रेडीमेड ले रहे हैं, ये 200 ग्राम का पैकेट है, तो इसको हम थोड़ा सा और रख लेंगे। 150 ग्राम के आसपास इसमें हम दही ऐड करते हैं, और इस तरीके से हमने इसमें डाल दिया है। तो ज़्यादा खट्टा दही नहीं होना चाहिए, फ्रेश दही का यूज़ करें। तो इस तरीके से हम पूरा मिक्स कर लेते हैं, इसको मैरिनेट करेंगे। बिरयानी को जितना अच्छा से आप टाइम से इसको मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना देर तक इसको आप मैरिनेट करेंगे, 2 घंटे तक अगर आप रख सकें तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है बिरयानी। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं मिक्सी के जार को धो करके, और बस सभी को मिला लेते हैं, और इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ें, अगर टाइम है तो फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो ये इधर हमने चावल को भिगो लिया है, और ये बासमती राइस है, और ये 1 घंटा हो चुका है। इधर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें। 1 टीस्पून इसमें हम जीरा ऐड कर लेते हैं, और ये प्याज हमने 3 से 4 प्याज लिया हुआ है और इसको हमने काट लिया है, तो इसी में डाल करके हम फ्राई कर लेते हैं। तो गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे, देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा चेंज हो रहा है इसका कलर, और ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे क्योंकि इसको निकालेंगे उसके बाद ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है ऐसे भी। 1/2 हम इसमें निकाल लेते हैं 1 प्लेट में, और 1/2 इसी कढ़ाई में हम छोड़ देते हैं। फ्लेम को अभी हमने लो रखा हुआ है क्योंकि प्याज बहुत जल्दी जल जाएगा, और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था सभी को हम डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। और मसाला जो लगा हुआ है उसको भी थोड़ा सा धो करके पानी में, और इसी पानी को डालेंगे, और ये चिकन में पानी भी छोड़ता है तो मीडियम फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। ऐसे देख सकते हैं थोड़ा सा हम धो करके ऐसे हम डाल दे रहे हैं, और इसको हम मिक्स करके और ढक कर इसको पकाएंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे, और काफ़ी अच्छा ये गल भी जाएगा और ये पक भी जाएगा इसी के साथ। 2 मिर्च को डाल देते हैं, ये हरी मिर्च है, और इसको भी हम मिला लेंगे। और इधर हमने पानी भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है एक तरफ चावल बनाने के लिए। इसमें हम डाल देते हैं दालचीनी का टुकड़ा, और इसमें छोटी बड़ी इलायची ऐड करते हैं। 1 टीस्पून शाहजीरा इसमें डाल देते हैं, और इसमें हम डाल रहे हैं तेजपत्ते, और ये लौंग और बादियान फूल। 3 टीस्पून इसमें हम डाल रहे हैं नमक, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल, और विनेगर इसमें 1/2 टीस्पून डाल देते हैं। इसकी जगह आप नींबू भी डाल सकते हैं, और ढक देते हैं, इसको पकने देते हैं। इधर चिकन को देख लेते हैं, चिकन ने पानी छोड़ दिया है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमारा ये पक रहा है, और इसी के साथ हमारा बहुत अच्छा से गल जाएगा। तो ऐसे ढक देते हैं और फिर से इसको हम चेक करेंगे बाद में। तो इधर देख सकते हैं दोनों तरफ हमारा ये पक रहा है, बारी बारी से दोनों को हम चेक कर रहे हैं। ये चिकन में थोड़ा पानी कम हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता, और इसी के साथ इसको हम पकाएंगे। धनिया पत्ता आप मैरिनेट करने के टाइम भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने पहले नहीं डाला था इसलिए अभी हमने ऐड कर दिया। इधर हमारा पानी खोल रहा बहुत अच्छे से, मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आ चुका है इसमें,
और चावल भी हमारा भीग चुका है। ये बासमती राइस है, लंबे तरह से आता है बिरयानी वाला, बहुत अच्छा ब्रांड का लेंगे तो बहुत अच्छा टेस्टी बिरयानी बनेगा। तो इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं, इसको कम से कम 20 मिनट ज़रूर भिगोएं तभी अच्छा बनेगा। ऐसे हम डाल करके थोड़ा सा इसको चला लेंगे, और चलाने के लिए आप इस तरह का जाली का यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये मिक्स करके हम इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं उधर, और इधर देख सकते हैं चिकन ने पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। अगर पानी आपको डालना भी है तो यही चावल वाला पानी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि मसाले का फ्लेवर है इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने फ्लेम को कम कर दिया है, इधर हमारा पक रहा है और इधर उबाल आ चुका है, ये हमारा चावल भी पक रहा है। चावल को ओवर कुक नहीं करना है, आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं, इसे 70% या फिर 80% तक पकाएं। तो मैं इसको 80% तक कुक कर रही हूँ, हाथ से दबाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा ओवर कुक ना करें। तो इधर हम गैस को अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि चावल भी हमारा हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको चला लेते हैं इधर चिकन को, और उसके बाद हम गैस को बंद कर दे रहे हैं इधर, और छान लेते हैं पानी को। इस तरीके से छान करके चावल को अलग कर लेते हैं। इस तरह से अलग करने से ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बड़ा सा कोई बर्तन ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसे हम छान लेते हैं और सभी को हम छान करके अलग कर लेते हैं। हमारा चिकन भी उधर रेडी हो चुका है, लेयर बनाना है, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है। लास्ट में हम गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, गरम मसाला आप कोई सा भी अच्छा कंपनी का लें, टेस्टी बहुत ही अच्छा लगेगा इसमें। लास्ट में हमने 1 टीस्पून इसमें डाला हुआ है, क्योंकि हमने पहले बिरयानी मसाला भी ऐड किया था तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया था, और इसी तरह से पानी थोड़ा सा रहने देंगे इसमें। और जिसमें हमने चावल कुक किया था उसको खाली करके इसमें हम ऑयल डाल दिए हैं थोड़ा सा, ये राइस ब्रेन ऑयल हमने यूज़ किया है, और ये थोड़ा सा पानी हमने मसाले में इसलिए रखा क्योंकि नीचे जो डालेंगे ना चिकन, और ये पानी थोड़ा सा रहेगा तो जलेगा नहीं और लेयर बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने चावल डाल दिया है, और चावल के बाद इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। तो चिकन को ऐसे हम बारी बारी से ऐड कर रहे हैं, हल्का सा इसमें मसाले में आप पानी ज़रूर रखें, हल्का थोड़ा सा होना चाहिए ग्रेवी की तरह। और इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता, और ये फ्राई किया हुआ प्याज जो हमने बचा कर रखा हुआ था, और फिर से लेयर बना लेते हैं। और इसी तरह से हम 3 लेयर इसमें बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने एक बार डाल दिया, फिर ऊपर से डाल दिया था, और लास्ट में ये धनिया पत्ता और प्याज हम डाल देते हैं। बिरयानी मसाला लास्ट में इस तरह से छिड़क देते हैं, बिरयानी मसाला की जगह गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है ऊपर से डालने के बाद। और इसमें हम 2 चम्मच घी ऐड कर देते हैं, इससे बिरयानी का टेस्ट बढ़ जाता है, इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छा बन जाता है। तो इस तरीके से हम कलर भी डाल देते हैं थोड़ा सा, बिरयानी ये देखने में भी और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इस तरीके से हमने डाल दिया है, और इसको ढक देते हैं, तवा चढ़ा देते हैं, और लो फ्लेम पर 10 मिनट छोड़ देते हैं इसको ढक करके, और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। ये हमारा बिल्कुल ही बिरयानी रेडी हो चुका है, लो फ्लेम हमने रखा हुआ था 10 मिनट के लिए, दम पे रखा हुआ था, और जो इसमें ग्रेवी टाइप का था तो बिल्कुल नहीं रहेगा। और ये हमारा चावल तो अच्छी तरह से कुक हो ही चुका था, वैसे भी थोड़ा सा बाकी था तो हमने दम पे इसको पका लिया है। रायते के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल तारा नूर कुकिंग को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली